संग सत्संग ऐसे व्यक्तियों का संग जिनमें सदैव सत विद्यमान हो, जिनका संपूर्ण जीवन, जिनका चरित्र हमें सत्य की ओर ले जाए, ऐसे व्यक्तियों का संग ही सत्संग कहलाता है। और हम मनुष्यों को तो सत्संग जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। कैसे? हम जन्म लेते ही सर्वप्रथम हमें किसका सत्संग मिलता है? हमारी सर्वप्रथम गुरु कौन होती है बताइए? आप होती हैं, माताएं होती हैं। जीव को जन्म लेने से ही सत्संग प्राप्त होता है, माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उचित अनुचित का विवेक उनको ज्ञात होता है, इसी का नाम सत्संग है। बड़े होकर हम विद्यालय में जाते हैं अध्ययन के लिए, वहां पर हमारे समस्त गुरुजनों के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही तो सत्संग है। बड़े होकर हम किन्हीं आध्यात्मिक गुरु के निकट जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनके समीप बैठकर उनसे उपदेश श्रवण करते हैं, वो सत्संग संपूर्ण जीवन पर्यंत हमें एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने का साधन मिलता है। जीवन में सर्वाधिक महत्ता सत्संग, और ये जीवन भर प्रवाहित होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। क्योंकि जब प्रवाह कहीं पर एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तो उस प्रवाह में दोष होने लग जाता है, तो प्रवाह सदैव व्यतीत होते रहना चाहिए। सत्संग जीवन पर्यंत करना चाहिए, जहां से मिले जैसे मिले, एक क्षण का सत्संग भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम करिए सो बड़भाग। हमारे पूर्वाचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हमारी निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में की, उनकी संपूर्ण वाणी परशुराम सागर का अध्ययन कीजिए, कितनी अनंत महत्ता है सत्संग। ये तो केवल मात्र एक दोहा है। एक घड़ी आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम करिए सो। एक क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर, क्या स्वामी जी? उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ? वो बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, संभवतया बंगाल से थे। उन्हें कहीं उपदेश नहीं मिला, उन्होंने कोई भगवत भक्ति नहीं की, केवल एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का ज्ञान मिला। इतना सा केवल उनको श्रवण हुआ कि जाना दूर है और समय कम है। इतना सा वाक्य उनके जीवन को इतना परिवर्तित कर देता है कि अपने संपूर्ण बंधु बांधवों को, व्यापार को छोड़कर
श्रीधाम वृंदावन में आकर भगवान का भजन करने लगे। इतना सा वाक्य भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता। वो प्रसंग तो आप सभी ने सुना ही होगा। एक चोर अपने जीवन में, जिसने जीवन भर चोरियां की, उसको पिता सिखाता है, कभी बेटा सत्संग में मत जाना, जानते ना, कहीं से त्रुटि बस उसके कानों में एक बात पड़ जाती है सत्संग में कि कभी असत्य मत बोलो, सत्य बोलो, और वो उस चोरी से बच जाता है। इतनी महत्ता है एक क्षण के सत्संग की। तो यदि जीवन भर सत्संग किया जाए तो हमारे जितने कलमश हैं, जितने अज्ञान हैं, जो कुछ भी हमारे क्लेश दोष रोग संताप है, सभी का समन इस भगवान के सत्संग में, भगवत चर्चा में, भगवान की अमृतमयी कथा से संपूर्ण समाप्त हो जाता है।